लगा दें? नहीं नहीं, वो बड़ी नहीं, हमें वही मूर्ति चाहिए जहाँ थी उसी जगह चाहिए, अलग जगह नहीं चाहिए, हमारी वही जगह चाहिए। तो यहाँ पर विरोध करने से हो जाएगा, लग जाएगी मूर्ति? लग जाएगी, क्यों नहीं लगेगी, हम आए उसी लेके, हमारी मूर्ति उसी जगह लगेंगे ही, हाँ मूर्ति लगाकर छोड़ेंगे ही। जब हम पहले लगवाने के लिए समाज का योगदान था, आज भी एक एकजुट हुआ है, क्योंकि बाबा पर ऐसा पहले कोई था ही नहीं, बेकू बेकुओं के कत्ले हम कर दिए गए थे, लेकिन आज मौजूद है, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत ही हम लोग यहाँ पर बिक्कू बन पाए हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन इसीलिए जहाँ पर जो पार्लियामेंट में मूर्ति थी उसी जगह पर होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्तियों को जिस तरीके से नए संसद भवन से डिस्प्लेसमेंट किया गया है, उसको लेकर पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। और अभी आपको बता दूं कि पूरे देश भर के लोग जो है दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है इकट्ठा हुए हैं, और इस कड़ी में आपको बता दूं भंते लोग भी आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे किस लिए आए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भिक्षुणी पूर्णिमा है। कहाँ से आई हैं? दिल्ली में ही रहती हूँ। दिल्ली में रहती हूँ, किस लिए आई हैं आप? मैं दिल्ली में हमेशा आती रही, और ये बाबा साहब की प्रतिमा पार्लियामेंट से हटाई गई है। हम हर साल पार्लियामेंट में 6 दिसंबर 14 अप्रैल के दिन लाखों अनुयायी वहाँ बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने जाते हैं, और वहाँ की प्रतिमा हटाई गई। वो प्रतिमा ही यूं ही नहीं लगी थी, वो सरकार के पैसे की नहीं, वो जनता के पैसों से खरीदी हुई प्रतिमा थी। और जो बुद्ध प्रिय मौर्य थे उन्होंने, और गायकवाड़ जी थे, रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में ये कार्य हुआ था, और उनके साथ में ये प्रतिमा लगी थी। हर साल लोग अपना हर्षोल्लास के साथ 14 अप्रैल को जाते थे, और भला बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बड़ा उत्साह से मनाते थे। और आज समाज इसीलिए आक्रोशित है कि वहाँ नहीं जाएगा। हम लोग भी श्रद्धांजलि के दिन हम हर साल जाते थे। तो वहाँ से डिस्प्लेसमेंट किया गया, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है बड़ी मूर्ति लगा दें? नहीं नहीं, वो बड़ी नहीं, हमें वही मूर्ति चाहिए जहाँ थी उसी जगह चाहिए, अलग जगह नहीं चाहिए, हमारी वही जगह चाहिए। तो यहाँ पर विरोध करने से हो जाएगा, लग जाएगी मूर्ति? लग जाएगी, क्यों नहीं लगेगी, हम आए उसी लेके, हमारी मूर्ति उसी जगह लगे है। ठीक है, क्या कहेंगे? कैसे, किस लिए आए हैं आप लोग यहाँ पर? ये बाबा साहब की मूर्ति जो हटा दी गई है उसके लिए आए हैं, वो मूर्ति वही लगना चाहिए बस। नहीं लगी तो है? नहीं लगी तो आगे कर रहा होगा, आगे और आंदोलन छेड़ेंगे। नहीं लगे तो क्या, एक बात बताइए, भंते लोग कहते हैं कि हम लगा के छोड़ेंगे ही, हाँ मूर्ति लगाकर छोड़ेंगे ही। जब हम पहले लगवाने के लिए समाज का योगदान था, आज भी एक एकजुट हुआ है, क्योंकि बाबा साहब के कार्य। तो आप लोग का जगह, लोग कहते हैं कि मठों पर होना चाहिए, और आप लोग पर ऐसा पहले कोई था ही नहीं, बेकू बेकुओं के कत्ले हम कर दिए गए थे, लेकिन आज मौजूद है, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत ही हम लोग यहाँ पर बिक्कू बन पाए हैं, दिखाई देते हैं। लेकिन इसीलिए जहाँ पर जो पार्लियामेंट में मूर्ति थी उसी जगह पर होनी चाहिए, होनी चाहिए जी। क्यों हटाया जा रहा है, क्या वजह है, क्यों हटाया जा रहा है? इसका मतलब है क्योंकि ये अपनी धांधली बचा रहे हैं। कौन? जो यहाँ की सरकार है। अब तक क्यों नहीं हटाई थी? क्यों आज पहले कहते थे क्योंकि ये बाबा साहब के द्वारा बने हैं, लेकिन अब तक बाहर जाते, विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं मैं बौद्ध नगरी से आया हूँ, और यहाँ आने के बाद में क्या कहते हैं, क्या हिंदू धर्म दूसरा पलट है, क्या कह रहे थे बताइए, आप क्या पूछ रहे हैं? क्या तो आप कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, जो ये लोग कह रहे थे कि 400 पार हमें दिला दो, हम संविधान को बदल देंगे, इन्होंने उसी कड़ी में काम करने हैं। आज तो बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये जरूर संविधान को बदलने की इनकी नीयत है। इनकी जो मौजूदा सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो कहती थी कि 400 पार कर दो और हम संविधान बदल देंगे, ये एक उनकी झलक है। आज उन्होंने कुछ सीटें तो उतनी नहीं आई ना, इतना लुढ़क गए एकदम। हाँ नहीं आई, उसको लोगों ने इन्हें नकारा है, जनता ने नकारा है, इनकी 230 पे इन्हें रोका है, और जनता इन्हें पसंद नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही ईवीएम में गड़बड़ करके कुछ परसेंट की, और काउंटिंग को स्लो करके ये सीटें इन्होंने बढ़ाई हैं धांधली करके। क्या लगता है, अगर यहाँ पर विरोध आप लोग कर रहे हैं, विरोध करने से मूर्ति लग जाएगी? ये विरोध करने से मूर्ति लगेगी, वापिस पार्लियामेंट के गेट पे ही लगेगी, और यही मूर्ति लगेगी, और इतनी हाइट की लगेगी। एक और आखिरी सवाल, लोग कह रहे हैं कि एक छोटी सी मूर्ति ही तो हटी, इतना बवेला क्यों खड़ा हो रहा है? ये छोटी सी मूर्ति है, संविधान निर्माता की मूर्ति है, देश की 80 करोड़ जनता की आस्था की बात है ये, आप छोटी सी कह रहे हो इसे, ये छोटी बात नहीं है, 80 करोड़ आबादी की आस्था की बात है ये, देश के संविधान निर्माता की मूर्ति है ये, इसके साथ छेड़छाड़ करना एक कानून बहुत जुर्म है,
जिसने संविधान बनाया, कानून बनाया, उसी की मूर्ति को ये एक तरह से ओझल करने का काम कर रहे हैं। 14 अप्रैल को जो वहाँ मेला लगता है उसे खत्म करना, उसे डाउन करने का काम कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? अनुज मौर्य है मेरा नाम। चलिए देखिए, पूरे देश भर के लोग जो है, जिस तरीके से आपको बता दूं कि नए संसद भवन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें, मूर्तियों को हटाया गया है, उसको लेकर जो है पूरे देश भर के लोग जो है आक्रोशित हैं। और दिल्ली के जंतर मंतर का आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी जो है अच्छी तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।